यार आज तो सुबह सुबह जॉगिंग करके मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। और ये देखो गाइज यहाँ पे खड़ी है बस, क्योंकि गाइज आज मैं और सिंचन के सारे दोस्त गाइज आज पिकनिक पे जाने वाले हैं और आज तो सच में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और गाइज बस ना मैं कल ही लेके आ गया था, क्योंकि गाइज अगर आज लेने जाता ना तो क्या पता गाइज मेरे को बस मिल पाती या नहीं मिल पाती। इसलिए गाइज कल रात को मैं बस लेके आया और अपने घर के बाहर खड़ी कर दी। अब चलो फटाफट से यार रेडी हो जाता हूँ। सिंचन तो गाइज गया हुआ है अपने दोस्तों को बुलाने के लिए। फटाफट से गाइज नहा धोके ना रेडी मिलूंगा सिंचन को, ताकि सिंचन खुश हो जाए। और यार सिंचन है ना बहुत ज्यादा बैग पैक कर रखे पिकनिक के लिए, पता नहीं बैगों में क्या भर रखा है। चलो मैं फटाफट से रेडी हो जाता हूँ। अरे कचरा भाई तू क्यों टेंशन ले रहा है यार, आज बारिश नहीं आएगी बिल्कुल भी। अरे सिंचन भाई मेरे पापा बता रहे थे आज बारिश आएगी। अरे कहाँ बारिश आएगी यार, इतना अच्छा तो मौसम हो रहा है, बढ़िया धूप निकल ली है। और यार वैसे बारिश आ गई तो यार अच्छी बात तो है, पिकनिक पे मजा आएगा यार। हम पैदल थोड़ी ना जा रहे, हम तो बस में जाएंगे ना, हमें क्या टेंशन लेनी। अरे हाँ सिंचन ये बात तो सही कह रहा है यार, हम तो बस में जाएंगे, बारिश आ जाए तो और अच्छी बात है। आ जाए फिर फटाफट से चल मेरे घर यार, वरना हम लेट हो जाएंगे। और पता नहीं यार फेंगल भैया यार जॉगिंग करके आएंगे अभी तक या नहीं आएंगे। ये खड़ी गाइस कचरा की गाड़ी, कचरा भाई आ जाए। अरे सिंचन भाई यार वैसे सिंचन एक बात बता, साथ में तू लेके क्या जा रहा है। अरे तू टेंशन मत ले यार, मैंने बहुत सारे बैग पैक कर रखे हैं। और यार बैग में चिप्स के पैकेट, आलू वालू सब कुछ भर लिया। आलू? अबे आलू कौन खाता है। अरे आलू यार मतलब बहुत सारे आलू भरे हैं, हम ना वहाँ पे चिप्स बना के खाएंगे। अरे सिंचन तू कैसी बातें करता है। सिंचन भाई मैं क्या कह रहा हूँ, जाके दूध लेके आऊंगे दुकान से, पिकनिक पे दूध पीएंगे। अरे पागल है यार दूध कौन पीता है पिकनिक पे। अरे वाह बस तो काफी अच्छी लग रही है, इस बस में जाएंगे क्या। और क्या फ्रेंकल भाई रात ही बस लेके आ गए थे, आज तो सच में बहुत मजे करेंगे। हाँ सिंचन भाई बहुत मजे करेंगे। और हमारे दोस्त कहाँ यार, अभी तो हम दो ही आए हुए हैं। अरे हाँ यार अभी तो कोई भी नहीं आया यार। अरे आज तो मैं बहुत ही ज्यादा लेट हो गया सिंचन, सच में मेरे को डांटेगा। सिंचन ने बोला था पिकनिक पे जाना है और मैं तो लेट हो गया, पापा की गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, पेट्रोल डलवाने में लेट हो गया, मैं तो जल्दी चल जा। अरे ये तो डांटे है, अरे मेरे प्यारे दोस्त डांटे यहाँ पे क्यों खड़ा है, जल्दी उतर जा तो उतर दे। और डांटे मेरे दोस्त तू यहाँ पे क्यों खड़ा है। अरे तू तो सोनी के ना, और क्या डांटे सोनी को पिकनिक पे नहीं जाने के, तुझे सिंचन ने बुलाया नहीं क्या। अरे बुलाया है सिंचन ने, मैं किसी का इंतजार कर लेता था, कोई लिफ्ट दे तो। अरे ये गाड़ी वाला कितनी टैटे मचा रहे हैं, भग जा गाड़ी वाले बंदे, बहुत मारूंगा। मेरे को दादा कहते हैं, दादा देश का। आ डांटे भाई जल्दी गाड़ी में बैठ, आज तो पिकनिक पे बहुत ही मजे करेंगे। भाई पिकनिक पे इतने मजे करेंगे, तुझे पता है मैंने बैग में क्या क्या पैक कर रखा है। अरे हाँ बता ना क्या पैक करा है तूने बैग में। मैंने भाई घी का डिब्बा पैक करा है इसमें। क्या तूने बैग में घी का डिब्बा पैक करा है। हाँ भाई घी खाएंगे हम तो मजे से भाई पिकनिक पे, मेरे पापा बोलते हैं घी खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, इसलिए मैं तो भाई घी लेके जा रहा हूँ। देख बस भी खड़ी है भाई, अब तो बहुत मजे आएंगे। हाँ भाई बहुत मजे करेंगे पिकनिक पे बस में, देखियो कितनी सारी सीटें हैं, मैं तो पीछे वाली सीट पे बैठूंगा और पूरे रास्ते मजे करते हुए जाऊंगा। लुक जा सिंचन को तो बुला लूं, सिंचन भैया बाहर आओ जल्दी। अरे कचरा भाई ऐसा लगता है यार सोनिक आ गया। और अभी जाके यार मेरे को लिटिल सिंघम को भी लेके आना है, लिटिल सिंघम के पापा ने ना यार उसे जेल में बंद कर दिया, वो उसे पिकनिक जाने ही नहीं दे रहे। अरे वाह तुम धन की धन आ गए। अरे सिंचन भैया हमको गिरा क्यों रहे हो। अरे सोनिक भाई तेरी गाड़ी से चले जाओ लिटिल सिंघम के बुलाने। ना भैया पेट्रोल अभी डलवाया, मुझे पता था तू यही कहेगा। चलो गाइस अब जल्दी से जाता हूँ और यार लिटिल सिंघम को बुला के लेके आता हूँ। और गाइस आप लोग भी यार मेरे साथ पिकनिक जा रहे हो यार, इसलिए गाइस आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। और वीडियो को लाइक करके गाइस आप लोग अपनी हाजिरी लगा दो कि हाँ यार आप लोग भी हमारे साथ पिकनिक पे जा रहे हो। और गाइस आज तो हम बहुत ही मजे करेंगे यार पिकनिक पे। और गाइस कमेंट में यार आप सारे लोग यार अपना अपना नाम भी बता दो यार। गाइस आप लोग मेरी वीडियो तो देखते हो लेकिन यार मेरे को आपका नाम नहीं पता, तो गाइस कमेंट में अपना नाम भी बता दो। अरे चलते चलते तो मेरी बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई, ये खड़ी मेरी प्यारी बस, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, आज के दिन मुझे नानी के घर जाना है लेकिन मैंने अपनी बस ये फ्रैंकिल दोस्त को दे दी। अब चलो चलते अपनी बस को लेकर नानी के घर। अरे इसमें तो लॉक लगा हुआ है। फ्रैंकिल मेरे प्यारे दोस्त जल्दी बाहर निकल, फ्रैंकिल को बुला के अपनी बस लेके जाऊंगा। फ्रैंकिल भाई जाए बाढ़ में मुझे, इससे क्या कैसे भी जाइए पिकनिक पे फिर। अरे यार ये घर के बाहर कौन चिल्ला रहा है, मजे से गाइस मैं ब्रेड खा रहा था। अरे भाई तुझे क्या हो गया। अरे फ्रैंकिल मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे नानी के घर जाना है। अरे तो जाना भाई, मैं छोड़ के आऊंगा कि तुझे तेरे नानी के घर। अरे नहीं नहीं वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब यह है कि भाई बस से जाऊंगा अपनी। अरे पर बस से क्यों जाएगा भाई, बस तो मैंने बुक कर दिया ना, आज हम बस से जाएंगे भाई पिकनिक पे। अरे पिकनिक विकनिक गई बाढ़ में, मुझे कोई मतलब नहीं पिकनिक से। अरे तो भाई इसका मतलब तू बस लेके चले जाएगा। और क्या मेरी बस से लेके जाऊंगा, मेरी मर्जी, मैं नहीं दे रहा तुझे बस, बस जा रहा हूँ बस से अपने गाँव, जा चाबी दे। अरे चाबी भाई उसके अंदर ही लगी हुई है। अच्छा तो उसके अंदर लगी हुई है। अरे पर एक बात तो बता भाई, अब हम पिकनिक कहाँ से जाएंगे, बस भाई इतनी जल्दी मिलने भी नहीं वाली। तुम जाओ बाढ़ में, मुझे क्या मतलब, मेरे को जाना नानी के घर, अपनी बस से जाऊंगा नानी के घर। हाँ नहीं तो, और इसकी हिम्मत देखो, बस के अंदर ही चाबी लगी, छोड़ दी, अगर मेरी बस चोरी हो जाती तो क्या होता, वैसे ही पैसे ले लेता और क्या करता। अब आएगा ना असली मजा, अब जाऊंगा नानी के घर बस से, बहुत मजा आएगा मेरे को तो। अरे सिटी यार ये क्या हो गया, हमारी बस तो गाइस वो लेके चले गया, अब तो यार हमारे पास बस ही नहीं है। और गाइस हमारे पास बस नहीं है इसका मतलब हम तो पिकनिक पे जा ही नहीं पाएंगे। अरे नहीं गाइस ऐसा नहीं हो सकता यार, अगर हम पिकनिक पे नहीं गए तो यार सिंचन तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। अब मुझे गाइस सिंचन के आने से पहले ना कहीं से जल्दी बस लेके आनी होगी। ये गाइस सिंचन के सोनिक दोस्त की गाड़ी है, बढ़िया, उसकी भी गाइस मेरे जैसी आदत है, हमेशा गाइस वो भी यार गाड़ी में ही चाबी लगी छोड़ देता है, इससे गाइस एक
फायदा हो गया। बिना पूछे यार मैं उसकी गाड़ी लेके जा रहा हूँ और फटाफट से गाइस जाता हूँ। कहीं ना कहीं से गाइस अब मेरे को यार बस का जुगाड़ करके लेके आना होगा। और भाई सिंचन को पता नहीं लगना चाहिए कि भाई बस वाला बंदा बस को लेके चले गया। अगर गाइस सिंचन को ये पता लगा तो भाई वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। और यार ये गाड़ी कितनी खटारा है, इसमें तो गाइस स्पीड ही नहीं है यार, भगी नहीं रही। गाइस अभी ना यार मैं बस के लोकल शोरूम पे तो पहुंच चुका हूँ। यहाँ पर ना गाइस ये बंदा सेकंड हैंड लोगों को गाड़ी देता है, लेकिन गाइस मैंने इससे एक दिन के लिए रेंट पे गाड़ी लेने के लिए आया हूँ। और पता नहीं गाइस आज मौसम को भी क्या हो गया यार, अचानक से खराब हो गया, ऐसा लगता है बारिश आने वाली होगी। अरे भैया बुढ़ाओ क्या बात होगी, क्या बात होगी भैया, धक्का मुक्की कैसे कर रहे हो? भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे को एक दिन के लिए बस चाहिए तुम्हारी। हाँ तो ले जाओ ना, अवेलेबल है, फुल टू फुल अवेलेबल है। अगर तुम्हें सेकंड हैंड कार चाहिए हमें सकले तो भी ले जाओ। पहली बात तो भाई ये कार नहीं है। अरे हाँ बस है, हमें भी पता है, लाओ पैसे दो और ले जाओ बस को। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो गाड़ी रखी ना इसे अभी तू अपने पास रख ले, मैं तेरी बस लेके जाता हूँ और भाई आते समय तेरे को पैसे दे दूंगा। कौन सी बस ले जानी चाहिए, ये वाली ले जाते हैं। अरे भाई सुन तो लो मेरी बात, ऐसे कैसे बस में बैठ गए? अरे भाई मेरी गाड़ी खड़ी तो है, मैं कहीं भागूंगा थोड़ी ना तेरी बस को लेके। अरे रुक जाओ भैया, ऐसे कैसे लेके जा रहे हो, फॉर्मेलिटी तो पूरी कर दो फॉर्मेलिटी। अरे बाद में बात करूंगा तेरे से। चलो गाइस फाइनली मेरे को बस तो मिल गई। अगर गाइस मैं इसकी फॉर्मेलिटी पूरी करने लगता ना तो गाइस जब तक सिंचन घर पे आ जाता। सिंचन मेरे ख्याल से लिटिल सिंघम के घर गया उसको बुलाने। और गाइस सिंचन मुझे बता रहा था कि लिटिल सिंघम के पापा ने ना लिटिल सिंघम को यार एक पिंजरे में बंद कर दिया ताकि यार लिटिल सिंघम भाई हमारे साथ पिकनिक पे ना जा सके। पता नहीं यार उनके पापा ने ऐसा क्यों करा। अरे हाँ यार लिटिल सिंघम पढ़ता लिखता नहीं है ना, अपने स्कूल का होमवर्क भी सही टाइम पे नहीं करता, क्या पता उसके पापा ने इसलिए उसको मना करा हो। और गाइस यार आप लोग यार फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार जिसने भी अभी तक नहीं करा। और गाइस बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जैसे गाइस सुबह हमारी वीडियो आएगी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अरे यार अभी हमारे लॉस सेंटर्स में तो यार बहुत तेज बारिश स्टार्ट होगी। चलो यार अच्छी बात है यार, बताओ और मजा आएंगे पिकनिक पे जाने में। लेकिन यार ये जो गाड़ी है ना इसके ऊपर यार छती नहीं है, मैं तो यार पूरा गीला हो गया बारिश से। अरे चढ़ जा यार लिटिल सिंघम के घर में, एक तो ये गाड़ी चढ़ती नहीं है, पता नहीं यार उस कचड़े की गाड़ी कैसी है। चढ़ जा भाई चढ़ जा, चलो चढ़ गई, बहुत बढ़िया। अब देखता हूँ कहाँ कैद कर रखा है। अरे ये तो यार उसमें जेल में बंद कर रखा है इसके पापा ने। अरे लिटिल सिंघम भाई, अरे मेरे प्यारे दोस्त सिंचन तू आ गया मुझे लेने। और क्या भाई तुझे पिकनिक पे लेके ही जाऊंगा। अच्छा बेटा पिकनिक पे लेके जाएगा, मैं भी देखता हूँ कैसे लेके जाएगा तू पिकनिक पे। तुझे पता है इसने कल का होमवर्क भी नहीं करा इसलिए मैं इसे जाने नहीं दूंगा कहीं पिकनिक पे। अरे अंकल यार इतना नाराज क्यों हो रहे हो यार। अरे लिटिल सिंघम तो टेंशन मत ले, आज पिकनिक पे जाएंगे। हाँ सिंचन मेरे प्यारे दोस्त, भाई कुछ भी कर मुझे पिकनिक पे लेके चल। बेटा ऐसे मैं इसे पिकनिक पे नहीं जाने दूंगा। अरे अंकल यार अगर मैं कुछ टास्क पूरा कर दूं तो आप इसे भेज दोगे मेरे साथ पिकनिक पे? हाँ बेटा अगर कुछ तू टास्क पूरा कर दे मेरी आंखों के सामने तो ही भेजूंगा मैं इसे पिकनिक पे, वरना नहीं भेजूंगा। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है सिंचन भाई, तू कुछ टास्क पूरा करवा पाएगा? अरे और क्या यार, लेकिन क्या टास्क पूरा करवाऊं यार, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा। अरे हाँ अगर अंकल यार इस वीडियो पे पूरे 10,000 लाइक कंप्लीट हो गई तो आप यार लिटिल सिंघम को मेरे साथ पिकनिक पे जान दोगे? अच्छा बेटा चल ठीक है बेटा, अगर इस वीडियो पे 10,000 लाइक कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं लिटिल सिंघम को तेरे साथ भेज दूंगा पिकनिक पे। गाइस यार इस टास्क को पूरा कराने में यार आप लोगों को मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। गाइस आपको कुछ नहीं करना, बस फटाफट से यार इस वीडियो को लाइक कर दो और गाइस इस वीडियो को यार फटाफट से 10,000 लाइक तक पहुंचा दो। बेटा मुझे नहीं लगता इस वीडियो पे 10,000 लाइक पूरे हो पाएंगे और तू टास्क हार जाएगा, मुझे ये लग रहा है। अरे ऐसा कैसे होगा? गाइस यार आप सारे तो मेरे प्यारे वाले दोस्त, यार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो यार जल्दी से। और गाइस अंकल को दिखा दो यार 10,000 लाइक कंप्लीट करके इस वीडियो पे। सिंचन भाई तुझे क्या लगता है मैं पिकनिक पे जा पाऊंगा? अरे जरूर जाऊंगा, ये देखो अंकल लाइक आने शुरू हो गए। अरे लिटिल सिंघम बेटा तुझसे बोला था ना पिंजरा मत खोलियो, पर पापा लाइक तो आने शुरू हो गए ना, देखना पूरे 10,000 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो पे। अच्छा बेटा अगर 10,000 लाइक कंप्लीट नहीं हुए तो मैं क्या करूं? अरे अंकल यार 10,000 लाइक जरूर कंप्लीट होंगे। सिंचन बेटा देख लियो, अगर वीडियो पे 10,000 लाइक कंप्लीट नहीं होंगे ना तो मैं तेरी बहुत बेइज्जती करूंगा। अरे तुम क्यों टेंशन ले रहे हो अंकल यार, पूरे 10,000 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे। सिंचन भाई कुछ भी कह, तू तो मेरा बहुत प्यारा दोस्त है यार, और ये गाड़ी भी काफी अच्छी है यार कचरे की। यार मेरे को तो आज सिंचन लगा नहीं था कि भाई हम पिकनिक पे जा पाएंगे। अरे तू क्यों टेंशन ले रहा है यार, तेरा दोस्त मैं हूँ यार, आज तो पिकनिक पे तुझे लेके जाना था मुझे, और देख लेके ही जा रहा हूँ। हाँ सिंचन मेरे को तो बिल्कुल भी यार यकीन नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन अब तो पूरा यकीन हो गया। और क्या अब तो सीधे घर जाएंगे और सीधे अब तो बस में बैठी हूँ और बस में खाने पीने का भी सब कुछ सुविधा है यार। वाह सिंचन मेरे प्यारे दोस्त। और गाइस अगर आप लोगों को यार अभी तक वीडियो पे यार 10,000 लाइक नहीं दिख रही तो आप लोग क्या कर रहे हो यार, फटाफट से लाइक का बटन दबा दो और यार वीडियो को 10,000 लाइक तक पहुंचा दो। अगर गाइस वीडियो पे 10,000 लाइक कंप्लीट नहीं हो पाए ना तो गाइस मेरी तो यार लिटिल सिंघम के पापा के सामने बहुत गंदी वाली बेइज्जती हो जाएगी यार। अबे सिंचन तू टेंशन क्यों ले रहा है भाई, ये जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं ना ये सारे तेरे प्यारे वाले दोस्त हैं, जरूर देखियो इस वीडियो पे 10,000 लाइक कंप्लीट करा देंगे। तो गाइस अभी ना यार हम अपनी गली में पहुंच चुके हैं और देख लिटिल सिंघम भाई ये खड़ी हमारी बस। अरे वाह सिंचन बस तो काफी प्यारी लग रही है। ओए लिटिल सिंघम देख के ये गाड़ी चला ले भाई, चढ़ाएगा क्या हमारे ऊपर? अरे हाँ फ्रेंकल भाई यार ये लिटिल सिंघम ऐसी गाड़ी चलाता है, लेकिन तुझे क्या हो गया सोनिक भाई? अरे टंटन भैया कुछ नहीं, हम तो आराम कर रहे हैं। अरे बारिश में कोई आराम भी करता है क्या? और फ्रेंकल भाई यार अब तो बहुत मजा आएगा क्योंकि बारिश हो रही है ना। और सिंचन तू अपना सामान देख ले भाई, जो जो तूने निकाला था। अरे हाँ फ्रेंकल भाई यार ये सारा सामान यार मैंने रात बैठ के पैक करा था, देखो गाइस बहुत सारे बैग है और इन सारे बैगों में यार बहुत सारी चीजें यार खेल खिलौने, अब यार हम तो पिकनिक पे जाके खेलेंगे। चल सिंचन भाई तेरा जितना भी सामान है ना सारा का सारा बस के अंदर रख देता हूँ। और भाई अपना बिल्कुल भी लेट नहीं करते, फटाफट
फटाफट बस के अंदर बैठ जाओ, निकलते हैं भाई अब पिकनिक के लिए। तो फाइनली गाइज अभी यहाँ पे सिंचन का जितना भी सामान था ना सारा का सारा गाइज मैंने बस के अंदर तो रख दिया है। चलो भाई अब एक एक करके जल्दी जल्दी अंदर घुस जाओ। अरे फ्रेंड के लोहिया मैं तो पीछे वाली सीट पे बैठूंगा। अरे तुम्हें जहाँ बैठना है वहाँ बैठ जाओ। तो गाइज अभी हम सारे लोग गाड़ी के अंदर तो बैठ चुके हैं, लेट्स गो भाई अब हम चलते हैं अपनी पिकनिक की लोकेशन पे। अरे भाई यार भाई कहना फ्रेंकिल भाई मजा। ओ फ्रेंकिल भैया मैं तो फ्रेंकिल भी अपने घर से अपनी कॉफी लेके आया था। अरे लेटर सी हम के बच्चे तू कब कॉफी लेके आया, तू तो अपने यार खा लिया था। हाँ तो सुनचंद भाई तेरे बैग में से मैंने ये कॉफी निकाल ली भाई, ये तो बड़ी टेस्टी है। अरे पहले बता रहा लेटर सी हम के बच्चे पूछ के निकाले कर, तुम तो यार ऐसी कॉफी निकाल ली। और सुनचंद भैया एक बात बोले भैया, ये जो तुम कुरकुरे लेके आए तो ये तो और ही टेस्टी लग रहे हैं। अरे तूने मेरी कुरकुरे भी निकाल लिए, देख लो फ्रेंकिल भैया यार ये सारा सामान तो यार बस में ही खत्म कर देंगे। अरे भाई पिकनिक के लिए भी कुछ छोड़ दो, जब अपनी पिकनिक के लोकेशन पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे क्या खाएंगे। अरे हाँ फ्रेंकिल भाई यार वहाँ पे क्या खाएंगे। ओ भैया मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कुछ लेके आया हूँ वो खिला दूंगा तुमको। अरे नहीं यार फ्रेंकिल भैया यार वो खाएंगे चिप्स, खाएंगे चिप्स। नहीं सिंचन मैं चिप्स वगैरह नहीं खाता। एक काम करो भाई तुमने चिप्स के पैकेट निकालो और बस में ही खा लो। अरे वाह चिप्स के पैकेट खाने का मिलेंगे, ला सिंचन भाई चिप्स दे मुझे। अरे पहले ये बता तू अपने बैग में क्या लाया डंटे। अरे सिंचन भाई बाद में बताऊंगा यार, पहले तू चिप्स खिला उसके बाद बताऊंगा। नहीं यार पहले तू बता तू अपने बैग में क्या लाया। वो सिंचन मैं अपने बैग में ना यार दूध की थैली लाया। क्या दूध की थैली, अरे दूध क्या करेगा यार तू पिकनिक पे। अरे दूध पीऊंगा यार, मेरे से उसने बोलता सन इतने दूध लाने को। अरे यार तुम क्या क्या लेके आ रहे हो यार पिकनिक की लोकेशन पे। सिंचन वैसे एक बात बोलो, इन सबसे ज्यादा सामान तो यार तू ही लेके जा रहा है। अरे हाँ फ्रेंकिल भैया क्योंकि मेरे को सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है ना। ओ फ्रेंकिल भैया वो देखो हिरन हिरन, अरे हिरन तो बहुत दिखेंगे। और वैसे फ्रेंकिल भैया एक बात बताओ यार हम कौन सी लोकेशन पे जा रहे हैं। यार सिंचन एक ऐसी कमाल की लोकेशन पे जा रहे हैं ना हम सिंचन, वहाँ पे सच में काफी मजा आने वाला है। और कुछ भी कहो यार फ्रेंकिल भैया जो बारिश की बूंदे खिड़की से एकदम अंदर आ रही है ना, ये तो और ही प्यारी लग रही है यार। तो गाइस अभी ना पूरा एक घंटा बीत चुका है और गाइस अभी देखो यार बारिश भी बंद हो चुकी है। लेकिन यार सिंचन बारिश बंद होने के बाद ये मौसम कैसा हो गया पता नहीं, फ्रेंकिल भैया काफी खराब मौसम हो गया। सिंचन भैया मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे मौसम में सिंचन भैया वो पीने में काफी मजा आता है जूस। अरे तुझे जूस पीने की पड़ी है, यहाँ दूर दूर तक भाई कोई भी दुकान नहीं होगी। एक सेकंड भाई ये क्या हो रहा है सामने, अरे बाबरी सामने तो आग लगी हुई है फ्रेंकिल भैया। अरे सिंचन अब बस कैसे निकलेगी भाई यहाँ पे, ये आग किसने लगा दी। अरे बाबरी कहीं पेट्रोल वगैरह में आग तो नहीं लग रही। एक सेकंड यार ये आग मुझे ऐसी क्यों लग रही है जैसे यहाँ कोई डमी हो। अरे क्या बात कर रहे फ्रेंकिल भैया, आग भी कोई डमी होती होगी। ये देख सिंचन मैं भाई इस आग के अंदर जा रहा हूँ लेकिन मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा। अरे मैं भी देखूंगा मैं भी कुछ गैस के अंदर। अरे भाई तुम मत जाओ क्या पता तुम्हारे कोई कपड़े वपड़ों में आग लग जाए। लेकिन ये सिंचन लोकेशन काफी अजीब सी नहीं लग रही। अरे तुम लेके आए हो फ्रेंकिल भैया इस लोकेशन पे, हम खुद तोड़ना है। हाँ सिंचन ये भी बात है। हाँ सिंचन एक काम कर जल्दी से भाई बस में बैठो, मुझे तो पता नहीं क्यों गंदी वायु आ रही है भाई यहाँ पे जैसे कोई अभी हमें खा पी जाएगा। ये क्या हुआ सिंचन, अरे बाबरे हमारी बस कहाँ गई फ्रेंकिल भैया। भैया हमारी बस कहाँ चली गई, अरे है बस कहाँ गई। ओ फ्रेंकिल भैया बस कहाँ गई। अरे चुप हो जाओ भाई तुम सारे के सारे, मेरे को कुछ सोचने दो। गाइस मैंने जैसे बस को टच करा अचानक से भाई अपनी बस तो गायब हो गई और यहाँ पे भाई ये तीन तीन कोई महंगी कार आ गई। जल्दी आओ भाई इसके अंदर बैठ के देखते हैं। अरे मुझे भी बिठा ले फ्रेंकिल भैया। लेकिन सिंचन भाई ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। अरे फ्रेंकिल भैया एक बात बोली, ये जो तीनों कार है ना भाई उस बस से तो काफी महंगी है। हाँ भाई मेरे ख्याल से ये कार ना मेरे को ऐसा लग रहा है सिंचन जैसे गोल्ड में कन्वर्ट रखी हो। अरे हाँ फ्रेंकिल भैया सही कह रहे हो, और इसकी तो देखो यार छत भी खुल गई। बढ़िया यार ये तो कंफर्टेबल कार है यार। ऐसा हुआ तो हुआ कैसा सिंचन मुझे जानना है। अरे फ्रेंकिल भैया मैं क्या कह रहा हूँ, किसी और चीज को टच करके देखो ना, क्या पता यार वो भी कार में बदल जाए। नहीं सिंचन ऐसा तो नहीं हो सकता। ये डांटे इसके अंदर क्यों खड़ा हुआ है। अरे फ्रेंकिल भैया मैं देख रहा हूँ कि आग के अंदर खड़े हो रहे हैं लेकिन आग हमारे अंदर लगी नहीं रही। कहीं ऐसा तो नहीं गाइस मैं आग के अंदर खड़ा था लेकिन। एक सेकंड, हेलो भाई हेलो तुझे क्या हो गया। अबे डांटे के बच्चे तुझे क्या हो गया। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ फ्रेंकिल भैया, बस मुझे डर लग रहा है ये तुम्हारे साथ हुआ तो हुआ क्या, मैं बहुत ज्यादा फट्टू हूं मुझे डर लगता है, मुझे घर ले चलो। अरे क्यों डर रहा है भाई तुझे, घर तो मैं लेके जाऊंगा। अरे हाँ फ्रेंकिल भैया इसका नाम ना कचरा है, ये बहुत ही डरता है। अच्छा तो इसका नाम कचरा है, तो यार मैं ये मैजिक पावर कहीं और ट्राई करके देखूं क्या, कुछ और चीज यहाँ पे गाइस टच करने को तो है नहीं जिसे मैं टच करके भाई और गाड़ियों में कन्वर्ट करूं। ये काम कैसे करती है सिंचन पावर, मुझे क्या पता फ्रेंकिल भैया। ये कार दूसरी कार में बदल जाए। और वाह सिंचन देखियो, अरे लगता है फ्रेंकिल भैया यार तुम्हारे अंदर सच में कोई पावर एक्टिवेट हो गई है। बढ़िया सिंचन, अब एक काम करते हैं सिंचन यहाँ पर ना ज्यादा देर रुकना सेफ नहीं है। अरे जो फ्रेंकिल भैया तुमने यहाँ पर ये कार मांगी है इसका क्या होगा। रुक सिंचन पहले मैं ना यहाँ पे कुछ और सोच के देखता हूँ, लेकिन मुझे क्या सोचना चाहिए। देख सिंचन भाई मैं जो सोच रहा हूँ ना वो हो रहा है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे गोल्ड सोच के देखते हैं, यहाँ पर काफी सारा गोल्ड आ जाए। बहुत बढ़िया गाइस ये पावर तो यार काम करती है सिंचन भाई, इतने गोल्ड में तो हम पूरे लॉस एंटोस वालों को खाना पीना खिला सकते हैं। अरे कितने में बिक जाएगा फ्रेंकिल भाई ये गोल्ड, मेरे ख्याल से सिंचन लाखों में तो भाई बिक ही जाएगा। अरे बहुत बढ़िया, अब एक काम करो भाई जल्दी गाड़ी के अंदर बैठो, निकलता है सिंचन इस लोकेशन से और सिंचन अपने घर पे चल के ना भाई बहुत कुछ मांगने वाला है। बढ़िया यार पता नहीं गाइस ये पावर मेरे अंदर से कहां जा गई, और भाई जितना जल्दी होगा ना गाइस मैं घर पे पहुंच के बहुत कुछ मांग लेता हूं। तो फाइनली गाइस अभी हम सारे लोग गाड़ी के अंदर तो बैठ चुके हैं। ये कौन है सिंचन मुझे क्या पूछ रहे फ्रेंकिल भाई, यार मुझे नहीं पता कौन है यार। एक सेकंड, हेलो भाई तू कौन है। बेटा मेरी बात तू ध्यान से सुनियो, ये जो तेरे अंदर
पावर एक्टिवेट हुई है, ये सिर्फ कुछ ही घंटे के लिए है। ये तुझे वरदान मिला है ऊपर वाले की तरफ से गिफ्ट के तौर पे। अरे ये क्या हुआ सिंचन? अरे बाबरी वो तो गायब हो गया फ्रेंकल भैया। इसका मतलब सिंचन मेरे पास कुछ ही घंटे हैं, उसने बोला कि ऊपर वाले की तरफ से मेरे को कोई वरदान मिला है और मेरे पास कुछ ही घंटे हैं। अरे तो चलो ना फ्रेंकल भैया फटाफट से घर पे, और घर पे चल के यार बहुत कुछ सोच लो जिससे कि हम अमीर हो जाए। भैया यार हमको भी अमीर बना देता, हम भी गरीब हैं। काम कर लिटिल सिगम, तू पीछे वाली गाड़ी से आ। गाइस जो कचरा सिंचन का दोस्त है ना वो भी यार दूसरी कार से आ रहा है और ये लिटिल सिगम भी अब दूसरी कार से आएगा। अरे हाँ फ्रेंकल भैया से ये फायदा हो जाएगा, वो जो वहाँ पे दो कार थी ना वो दोनों कार भी हमारे पास आ जाएंगी। अरे मैं क्या कह रहा भैया मेरी बात पे सुन लो। अरे हाँ बोलेगा भैया हमें भी अमीर बना देना, हम भी थोड़े गरीब फैमिली से आते हैं। अरे तुम क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, जितना कुछ भी मांगो ना उसमें से आधा हिस्सा भाई तुम्हारा भी होगा। अरे वाह अब आएगा ना असली मजा, तुम फ्रेंकल भैया मेरे सारे दोस्तों को यार अमीर बना देना। तो फाइनली गाइस अभी हम सारे लोग एक ऐसी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं जो कि गाइस एकदम सेफ लोकेशन है। यहाँ पर ना गाइस कोई भी बंदा नहीं आएगा जो कि हमें परेशान कर सकता है। यहाँ पर गाइस हम जी खोल के जो कुछ हम सोचेंगे वो हमारे पास आ सकता है। अरे हाँ फ्रेंकल भाई ये लोकेशन एकदम सेफ है यार, हम यहाँ पे जो भी मांगे ना कोई हमको परेशान करने नहीं आएगा और कोई भी हमारे सामान चोरी नहीं कर पाएगा। हाँ सिंचन मुझे पता है भाई यहाँ पर कोई भी नहीं आता कभी भी, लेकिन हाँ सिंचन कभी कभी एक दो बंदे आ जाते हैं। अरे तो कोई बात नहीं, वो आएंगे तो उनको भी दे देंगे कुछ ना। हाँ ये भी बात है, उनके लिए भी सिंचन को सोच देंगे ताकि वो भी अमीर हो सके। अरे भैया मेरे को तो सबसे पहले रिमोट कंट्रोल कार मांगो। अरे सोनिक के बच्चे टेंशन मत ले, तेरे को रिमोट कंट्रोल कार भी देंगे और तेरे को काफी सारे पैसे भी देंगे, लेकिन सबसे पहले क्या सोचू। हाँ यहाँ पर काफी सारे आर्मी के टैंकर आ जाए काफी सारे। अरे ये क्या है फ्रेंकल भैया, ये देख सिंचन यहाँ पे कितने सारे टैंकर आ गए। अरे पर ये क्यों मांगी तुमने फ्रेंकल भैया? मैं सोच रहा था सिंचन हमको कुछ भाई यूनिक मांगना चाहिए, तो इसलिए सिंचन मैंने कुछ यूनिक सोचा और ये देख भाई हमारे सामने भी आ चुका है। अरे इसके अंदर बैठ के फ्रेंकल भैया मैं तो यार गन चलाऊंगा और तू भी चलाऊंगा यार। अब गाइस हमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई, हमारे अंदर तो काफी ओपी वाली पावर आ गई है। अब गाइस यहाँ पर डॉल्फिन आ जाए और ये बहुत बढ़िया गाइस, देखो इतने से पानी में यार डॉल्फिन आ गई। देख ले सिंचन तूने कभी डॉल्फिन नहीं देखी होगी। अरे हाँ ये तो डॉल्फिन है यार, गाइस देखो यार कितनी बड़ी डॉल्फिन, और मैंने तो सच में कभी सोचा भी नहीं था इतने से पानी में डॉल्फिन आ सकती है। लेकिन गाइस ये जो मेरे अंदर मैजिक पावर एक्टिवेट हुई है ना इसने गाइस ये करके दिखा दिया। यहाँ पर गाइस बहुत सारी डॉल्फिन, बहुत सारी तो नहीं 4-5 डॉल्फिन आ चुके हैं। चलो गाइस अब यहाँ पर ना मैं काफी चीजें मांग लेता हूँ जिस भी चीज की गाइस मुझे नीड है ना, और सिंचन के दोस्तों को भी जिस चीज की नीड है वो सब कुछ गाइस हम मांगते हैं। और गाइस वो सब कुछ जब हमारे सामने आ जाएगा तो गाइस हम बहुत अमीर हो जाएंगे। सबसे पहले तो गाइस मैं 5-6 करोड़ रुपए मांगूंगा। नहीं यार 5-6 करोड़ क्यों, जब गाइस मैं सोचता हूँ वो सब कुछ मेरे सामने आए तो एक काम करूंगा ना भाई 1000 करोड़ रुपए मांग लूंगा, ताकि गाइस मैं पूरे लॉस सैंटोस की गरीबी मिटा सकूं और भाई सबको अमीर बना सकूं। हाँ गाइस ये सही रहेगा। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करो गाइस, फ्रेंकल सिंचन आपके भाई, तो यार जल्दी से गाइस अभी के भी इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब लगा इस प्यारा वाला बाय। Shit.